ऑफ द सर्किट पॉइंट ए एंड बी। अब हम लोग के पास दो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स ए है एक पॉइंट्स बी है, तो नेट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो ये अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो ए और बी के बीच, ऑब्वियसली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में पांच रेजिस्टेंस, सबसे पहले निकालने के लिए चेक करूंगा कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस होता है जब ये वाली रेजिस्टेंस की रेशियो इसके साथ और इसका इसके साथ रेशियो इक्वल होता है। अगर 3/4 इक्वल है 6/8 के, क्या इक्वल है, तो 3/4 इक्वल टू 2 से काट दोगे 3/4, मतलब ब्रिज बैलेंस है तो मजे ही मजे हैं, अगर ब्रिज अनबैलेंस है तो दिक्कत है, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, केबीएल केसीएल दोबारा लगेगा। तो ये ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो ये जो 7 है, 7 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 7, ये यूजलेस है, इसका कोई रहना या नहीं रहना बात बराबर है, तो ये यूजलेस है। तो अब अगर इस सर्किट को अगर मैं रीड्रा करूँ इस सर्किट को, तो 3 और 4 7 आ गया, 3 और 7 7 ओम आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 6 और 8 14, 8 6 14, तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस आर नेट आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 14, और डेट इज 14 मल्टीप्लाइड प्लस 14 प्लस 7, तो यह आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 14, और यह आ जाएगा 7 21, तो 7 3 के 21, दैट इज 14/3 नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, आसान सवाल था, 14/3 बी ऑप्शन सही था। तो पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।